सो नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000 के बारे में। तो करना जो आप सब लोगों की बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील फोटोज को क्लिक करके देते हैं। तो भाई अगर आपका 20,000 का प्राइस पॉइंट है नहीं और आप एक फोटोग्राफी लवर हो तो ये वीडियो अंत तक देखनी तो बनती है। स्मार्टफोन्स में आपको ओनली अच्छा कैमरा नहीं मिलेगा बल्कि वो सारे गुण मिलेंगे जो आप चाहते हो। तो भाई चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उस चीज से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने घंटे को भी जोर से दबा लो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, किसी भी स्मार्टफोन को मिस मत करना। सो हमारी लिस्ट का थर्ड जो स्मार्टफोन आता है वो आता है आईक्यू की तरफ से, जो आपको काफी शानदार स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का एक एडिशनल कैमरा भी मिल जाएगा। और भाई कैमरा सेटअप से आप मैक्सिमम 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। फोन के साथ आपको बहुत सारे फोटोग्राफी फीचर्स मिल जाएंगे जो आपकी फोटोग्राफी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और इस कैमरा सेटअप से आप मैक्सिमम फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो चलिए अब कैमरा सेटअप के बाद स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगी जिसपे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है जो आपको खूब मक्खन वाली फीलिंग देती है। चिपसेट में आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट मिल जाएगा जो एक गेमिंग प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के साथ आप बड़े बड़े गेम्स को हाई सेटिंग्स पे आसानी से प्ले कर पाओगे। बैटरी के बारे में बात करूं तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिलने वाली है एंड जिसको चार्ज करने के लिए 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाता है। गाइस स्मार्टफोन का 8GB एंड 128GB रोम वाला वेरियंट आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा। बट एक छोटा सा माइनस पॉइंट ये है कि इसमें आपको मेमोरी कार्ड सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट इसके बदले आपको 4GB की एक्सटेंडेड रैम मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक सिस्टम मिल जाएगा एंड 3.5mm जैक भी। सो अगर फाइनली बात कर जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में तो स्मार्टफोन का नाम है IQOO Z5। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन की तरफ जो आता है मोटो की तरफ से। तो ₹20,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेज करना है तो ये स्मार्टफोन आप आंख बंद करके ले सकते हो बिकॉज ये आपको अपना सब कुछ दे देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कैमरा सेटअप की मैं बात करूं तो 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का एक एडिशनल कैमरा भी मिल जाता है जिससे आप बहुत ही शानदार 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे एंड फोटोग्राफी में आपको पोर्ट्रेट मोड, ड्यूअल कैप्चर मोड, गूगल लेंस इंटीग्रेशन जैसे फोटोग्राफी फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लेवल को ये स्मार्टफोन काफी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, अच्छी बात है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और इस कैमरा सेटअप से आप मैक्सिमम फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अब कैमरा सेटअप की बात होने के बाद अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो भाई डिस्प्ले में आपको 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी विद 90Hz स्मूथ रिफ्रेश रेट एंड इसमें आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो भाई आपकी डिस्प्ले के जो व्यूज है और आपकी फोटोग्राफी के जो कलर्स है वो काफी प्यारी क्वालिटी में आपको मिलते हैं। कॉन्फिगरेशन की अगर मैं बात करूं तो MediaTek का 800U 5G चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा जिसमें आप एक अच्छी खासी गेमिंग को भी अंजाम दे पाओगे। एंड अगर वहीं मैं बात करूं स्मार्टफोन के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी जिसके साथ आपको 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इन द बॉक्स ही मिल जाएगा। तो भाई काफी ज्यादा बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है फीचर्स का जो इस स्मार्टफोन को अदर स्मार्टफोन से अलग बनाता है। रैम एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरियंट आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा एंड स्मार्टफोन आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट ऑप्शन के साथ मिलता है जिससे आप अपनी मेमोरी 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक सिस्टम एंड 3.5mm जैक भी मिल जाएगा जो आजकल सारे डिवाइसेज में रिक्वायर्ड है। सो गाइस अगर फाइनली बात करूं मैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में तो स्मार्टफोन का नाम है Moto S20 Fusion। प्राइसिंग के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब बारी आती है हमारे उस स्मार्टफोन की जो कैमरा क्वालिटी और अदर फीचर्स में सबका पप्पा है। चिल्ला रहा हूं बात में जाना नहीं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ Redmi की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन लिटरली आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराता है कि आप एक ही बात बोलोगे अरे बस कर भाई।
तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैमरा सेटअप की मैं बात करूं तो 108 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का सेंसर मिलता है और इसका जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी लेवल है वो काफी नेक्स्ट लेवल है। कैमरा सेटअप से आप मैक्सिमम 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर मैं स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बात करूं तो भाई सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का एंड डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और इस कैमरा सेटअप से आप मैक्सिमम फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। गाइस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के साथ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी वीडियोस एंड फोटोज को कस्टमाइज कर सकते हो। स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 6.67 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जो आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है और इस डिस्प्ले पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप कंटेंट कंजप्शन भी अगर ज्यादा करते हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी व्यूज आपको मिल जाते हैं। प्रोसेसर में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट मिल जाएगा, जो एंड्रॉइड के वर्जन 11 के साथ आता है। और भाई चिपसेट के साथ आप गेमिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 5020 mAh की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जो आपको 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है। एंड अगर वही मैं बात करूं स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज की, तो ये स्मार्टफोन आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ मिलता है। और ये स्मार्टफोन आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन के साथ मिलता है, जिससे आप अपने मेमोरी 512GB तक एक्सपेंड कर पाओगे, जो काफी सही है। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक सिस्टम और 3.5mm जैक मिल जाएगा, जिससे ये स्मार्टफोन आपके डाटा को भी बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रखता है। सो फाइनली गाइस बात कर ले जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 10 Pro Max। प्राइसिंग के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको अभी तक हमारे स्मार्टफोन्स पसंद नहीं आए तो मैं आपको दो स्मार्टफोन्स के बारे में और बता रहा हूँ, जिनमें से पहला है Infinix Note 12 Pro एंड दूसरा है OnePlus का Note CE2 Lite। दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपनी छोटी सी घंटी को भी जोर से दबा लो सब्सक्राइब करके।